हेलो एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सयाली और रिया आपस में बात कर रहे होंगे। रिया कहेगी कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। उसने एक छोटी ड्रेस पहनी होगी और वो मच्छरों को मार रही होगी। परेश और तेजस दोनों ही एम्बेरस होंगे रिया की ड्रेस देखकर। रेणुका यहाँ अपने आप को समझाने की कोशिश करेगी कि ये ड्रेस जो है वो थोड़ी छोटी है। वो रोशनी के सामने रिया से कहती है कि बेटा, तुम्हें ससुराल में इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन प्रिया यहाँ पर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल फील कर रही है, ऐसा वो कहती है। वो कहती है कि मैं तो ये सारे कपड़े अपने घर पे भी पहनती थी। तभी रेणुका उसे सजेशन कहती है कि बेटा, तुम्हें अपना ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा चेंज करना होगा। लेकिन रिया क्लियरली कह देती है कि नहीं, मैं किसी को भी जज करने के लिए अपने आप को अलाउ नहीं करूंगी। मेरी जो ड्रेस है वो कम्प्लीटली मेरी चॉइस है। मैं क्या पहनूंगी, मैं किस में कंफर्टेबल रहूंगी, ये मेरी चॉइस है। रेणुका यहाँ पर उसके बिहेवियर पर इरीटेट होती है। सयाली कॉल करती है रिया को साइड में और वो उसे समझाती है कि उसे इस तरह की ड्रेस घर के बड़ों के सामने नहीं पहननी चाहिए। तभी रिया कहती है कि मुझे किसी की भी बातों की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या पहनूं मेरे ड्रेसिंग सेंस के चलते में, समझ गए। रेणुका और रोशनी यहाँ पर सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर रिया ने सयाली की बात कैसे मान ली। थोड़े टाइम के बाद रिया अपने रूम से आती है लॉन्ग ड्रेस पहनकर और वो दूसरों के सामने दिखाती है। इधर दूसरी मॉर्निंग रिया सचिन नोटिस करता है कि उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है टेबल पर बैठकर। तभी वो कहता है कि क्या हुआ। यहाँ पर सयाली बताती है कि मैं न्यूज़पेपर में जॉब सर्च कर रही हूँ। सयाली कहती है कि हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहती हूँ, तुम्हारा भी खर्चे में हाथ बटाना चाहती हूँ। और वो सचिन ये सुनकर के बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाता है सयाली का बिहेवियर देखकर, उसके माथे पर किस करता है। रेणुका यहाँ पर बहुत सारा घर का काम दे देती है, उसे प्रेशराइज करती है। वो कहती है कि सारे फैमिली मेम्बर्स का काम भी तुझे करना होगा। रोशनी यहाँ पर दो शर्ट देती है धुलने के लिए, लेकिन सयाली साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तेजस का काम नहीं करूँगी। रेणुका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो ऑर्डर करती है कि तेजस के कपड़े दो। सयाली कहती है कि मैं आपका भी कोई ऑर्डर नहीं मानूंगी। मीर वह रिया आती है अपने कपड़ों के साथ, वो देखती है इतने सारे कपड़े हैं और वो सयाली के लिए सॉरी फील करती है। वो सजेस्ट करती है कि आप क्यों नहीं इनके मदद करती। रिया कहती है सयाली, आपको भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए आराम करने का। वो सजेस्ट करती है रेणुका को कि आप एक काम कीजिए, आप ना आई घर में एक बाई रख लीजिए। रोशनी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस घर में काम वाली की ज़रूरत है। लेकिन रिया समझ जाती है सयाली के, अप्रिशिएट करती है हार्ड वर्क को और उसके एफर्ट को। इधर वो अपने रूम में जाती है, रिया कुछ पैसे लाती है और सयाली के हार्ड वर्क को एक्नॉलेज करती है। वो पहले तो सरप्राइज हो जाती है और पैसे लेने से मना कर देती है, फिर वो बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करती है। वो सोचती है कि रिया ने भी मुझे यहाँ पर नौकरानी समझा है। लेकिन रिया कहती है कि सयाली, आप मेरी बहनी जैसी हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगी। रेणुका और रोशनी दोनों ही सयाली को टॉन करती है पैसों को लेकर के, और वो सोचती हैं कि सयाली सिर्फ पैसों के लिए ही काम करती है। यही दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग एपिसोड में। अब देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग, कि आखिर आप कैसे यहाँ पर सचिन, रोशनी, रिया और रेणुका को सबक सिखाएगा। वेल, फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही शानदार खबरों के लिए।